हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं एनटीए के फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन कब होगा, कितनी आपको फ़ी पेड करनी है, ठीक है। जेआरएफ की एज क्या है, घटी है या बढ़ी है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आज। तो बेसिकली जो आपका फॉर्म सबमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं आपसे। तो 9 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है, कब तक चलेगा ये, 9 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप फ़ी सबमिट कर सकते हो 10 अक्टूबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फ़ी 10 अक्टूबर, ओके। तो ये आपका हो गया 10 अक्टूबर, फाइन। तो और फिर आपकी फ़ी पेबल बाई कैंडिडेट, आपको फ़ी कितनी पेड करनी है बेसिकली। तो जो फ़ी आपको पेड करनी है वो करनी है 1000, या आप जनरल हो तो, ओके। या आप EWS हो, जनरल हो प्लस EWS हो, या फिर OBC हो नॉन क्रीमी लेयर हो, तो आपको फ़ी पेड करनी है 500। या आप SC ST हो, ठीक है, या फिज़िकली चैलेंज्ड हो, तो आपको फ़ी पेड करनी है 250 रुपये। और जो चार्जेस होंगे इंटरनेट प्रोसेसिंग चार्जेस, GST चार्जेस, वो आपको पेड करने होंगे साथ में। करेक्शन जो होगा वो 18 अक्टूबर से ऑन हो जाएगा, या आप फॉर्म में कुछ गलती कर देते हो तो आपको मौका मिलेगा करेक्शन करने का, ठीक है। ये होगा आपका 18 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 9 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी वो होगी आपकी बिटवीन 2nd of December से लेके 6 दिसंबर, यानी कि आप मान लो मंडे से फ्राइडे तक आपका एग्जामिनेशन होगा, किसी भी दिन पड़ सकता है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है। आपका एग्ज़ाम किस दिन पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपका कोर्स कोड क्या है, ठीक है। कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, या हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, तो उसके हिसाब से आपका शिफ्ट पड़ेगा, ठीक है, डेट पड़ेगी। 2 शिफ्ट में पेपर आपके डेली होंगे, यानी 2 को भी 2 शिफ्ट होगी, 3 को भी 2 शिफ्ट होगी, 4 को भी 2 शिफ्ट होगी, 5 को भी और 6 को भी। पहली शिफ्ट जो होगी वो 9:30 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे तक चलेगी। सेकंड शिफ्ट जो होगी 2:30 बजे शुरू होगी और 5:30 बजे तक चलेगी। और आपका सेंटर वही रहेगा जो आपको मिला रहेगा एडमिट कार्ड पे जो मेंशन रहेगा। और जो आंसर कीज वगैरह होंगी उनकी जो डेट है वो बाद में अनाउंस होगी आपकी। और जो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट NTA ने बताया है 31 दिसंबर बताया है, यानी कि साल के आखिरी में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर से पहले। अच्छा, एक बुरी खबर भी हमारे लिए है, जो कि जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व स्टूडेंट्स हैं, उनकी फ़ीस जो है पहले 800 थी वो अब 1000 हो गई। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने वही बता सकती है, UGC ने ऐसा क्यों किया वही इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई है, और हम लगातार सीरीज रन कर रहे हैं, हमारा ग्रुप टेलीग्राम पे भी एक्टिव है, और वहाँ पे भी हम MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। वन मोर थिंग, जो आपकी JRF की एज है वो कितनी है, वो आपकी है 30 साल फॉर जनरल स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।